पानी जब प्रचंड रूप लेता है तो सिर्फ रह जाता है हाहाकार। नागपुर में पानी की लहरों से खिलवाड़ ने चार लोगों की सांसों पर पूर्ण विराम लगा दिया। चार अब भी लापता है। सैने ये मौज मस्ती करने के लिए गए थे यहाँ पे। मच्छीमार की बोट रस्ती से बैठ के पानी में घूमने गए और बोट पलट गई। जल के आतंक की दूसरी तस्वीर असम राज्य से है। पंद्रह जिले पानी पानी हो गए। करीब 5 लाख लोगों की जिंदगी मझधार में है। 450 से ज्यादा घर जलमग्न हो गए। एक शख्स जलातंक का शिकार हो गया। 4.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के लिए उनको काफी भुगतना पड़ रहा है। नागपुर में सेल्फी लेते हुए नाव की जल समाधि हो या फिर असम में बाढ़ का प्रकोप, विकराल जल सिर्फ मौत देता है। ये है पानी का दंड प्रचंड। तो आपने देखा कि ये हालात इस वक्त हैं क्या। ये असम बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। पीएम मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की है, हालात की जानकारी ली और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। असम ने 100 से ज्यादा राहत शिविर लगाए हैं और अधिकारियों से राहत शिविरों में जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस नाव में 11 लोग सवार हैं। नागपुर की वेना नदी में पिकनिक पर 9 दोस्त निकले थे। नाव पर बैठे मजाक मस्ती कर रहे हैं। बोटिंग का वीडियो फेसबुक पर लाइव दिखा रहे हैं। नाव में 2 मछुआरे भी सवार हैं। जरा ध्यान से सुनिए और देखिए, बोटिंग करते वक्त ये सभी 9 दोस्त क्या बातें कर रहे थे। नाविक ने पूछा कहाँ चलना है। किसी एक लड़के ने कहा कहीं भी ले चलो। नाव आगे बढ़ रही थी। लड़के पिकनिक पर थे लिहाजा मस्ती मजाक में चूर थे। गुलाबी शर्ट पहने लड़के ने कहा भी पानी के बीच में बहुत मजा आ रहा है। पानी के बीच में बहुत क्या बताऊं। तभी नाव में बैठे किसी लड़के ने नाविक को और आगे जाने को कहा। नाविक नाव चलाता रहा। नाव आगे बढ़ती रही। 9 दोस्तों में सफेद शर्ट पहने लड़के ने वापस जाने की इच्छा जताई। उसने नाविक से कहा वापस चलो। चला वापस चला। हरी राउंड ने की टी शर्ट और काला चश्मा पहने लड़के ने कहा तू जा। उसका ये जवाब सफेद शर्ट पहने दोस्त के लिए था, जिसने वापस जाने की बात की। सफेद शर्ट पहने लड़के ने एक बार फिर कहा आई एम रेडी टू गो बैक, यानी मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। 30 सेकंड का ये वीडियो 9 दोस्तों ने फेसबुक पर लाइव किया। वो अपनी पिकनिक के दौरान बोटिंग में इतने बेफिक्र हो गए कि दबे पांव आती मौत को देख नहीं सके। लड़के बोटिंग के दौरान फोटो खींच रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। नाव लगातार डगमगा रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि नाव का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। नाव गहरे पानी में पलट गई। कुछ चश्मदीदों ने नाव को पलटते हुए देखा भी। हस्ता ने मौज मस्ती करने के लिए गए थे यहाँ पे।
लेकिन जो तीन लोग थे ये उनके लिए गए थे, वो साथी थे उनके साथ में। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, प्रशासन पिकनिक स्थल नहीं है या कुछ नहीं है, तब भी आप पिकनिक मनाने देते, ये प्रशासन वाले बनाने देते यहाँ पे वेना वाटर वाले। शाम के 7 बजे की बात है, जो यहाँ के स्थानीय लोग है, 3 जन थे और 9 जन थे नागपुर के थे, तो वो ड्रिंक करके थे, तो उनके वजह से वो सब कुछ आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो भी है, उन्होंने बताया, एफबी पे लाइव चल रहा था उनका वीडियो, और ड्रिंक करके थे एक तो, और जो स्थानीय लोग थे वो ड्रिंक करके नहीं थे, उनकी वजह से ये हादसा हुआ। ये घटना नागपुर की वेना नदी में घटी। नाव में सवार सभी 11 लोग पानी में गिर गए। 3 लोगों को तैरना आता था, तैरकर निकल आए, जल आतंक से अपनी जान बचा ली। 8 दोस्त पानी से नहीं निकल पाए। दरअसल सेल्फी लेने और फेसबुक वीडियो में अपनी मस्ती रिकॉर्ड करने के चक्कर में सभी दोस्त नाव के एक ही हिस्से में इकट्ठा हो गए। नाव डगमगाने लगी, संतुलन खो गया और नाव झील में पलट गई। खबर मिलते ही आनन फानन में प्रशासन झील के किनारे इकट्ठा हो गया। गोताखोरों को बुलाया गया, रेस्क्यू टीम को झील के किनारे ला खड़ा किया गया। आसपास के लोगों ने भी जमघट लगा लिया। नाव तैयार की गई, देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सब व्यर्थ। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 टीमें आ गई है, एक नागपुर महानगर पालिका की और हमारी एडीएफ जो है स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू टीम, उनका फोर्स आया। 3 डीजल बोट पानी उतार के काम जारी है। निकल कुछ नागपुर से लड़के पिकनिक के लिए आए थे और जो मच्छीमार की बोट रहती थी बैठ के पानी में घूमने गए और बोट पलट गई। यह हादसा रविवार शाम को हुआ। पुलिस का बयान भी रविवार का ही है। ताजा खबर के मुताबिक 4 लड़कों का शव मिल चुका है, जबकि 4 अब भी लापता है। सेल्फी और फेसबुक लाइव 8 लड़कों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। 30 सेकंड की मजाक मस्ती ने 8 लड़कों की जान ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल हमने बात पहले की थी असम के हालात की, जो कि आप मेरे आगे देख ही रहे हैं, लेकिन जो आपने स्टोरी देखी वो दरअसल नागपुर की थी। नागपुर में हुआ क्या था आपने इस कहानी से पता लग गया होगा। इस स्टोरी में डिटेल रिपोर्ट थी कि किस तरीके से सेल्फी का क्रेज जान जोखिम में डाल करके किसी की जान तक ले सकता है। 4 शव मिल गए हैं, 4 अब भी लापता हैं। इतना दुखद हादसा था।